गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट्स, हमने वर्ब टॉपिक किया था और वर्ब में हमने ट्रांजिटिव वर्ब की थी। ओके स्टूडेंट, और ट्रांजिटिव वर्ब हमने कंप्लीट की थी। उसके बाद ट्रांजिटिव वर्ब में हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट भी किए थे। ओके स्टूडेंट, तो अब जो हमारा नेक्स्ट आगे जो प्रोसेस है वो है स्टूडेंट ट्रांजिटिव वर्ब की थी। दे आर 4 टाइप्स ऑफ वर्ब, फर्स्ट ट्रांजिटिव, सेकंड इंट्रांजिटिव और थर्ड लिंकिंग वर्ब और नेक्स्ट ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब। ओके स्टूडेंट, तो हमने ट्रांजिटिव वर्ब कंप्लीट की थी। नेक्स्ट जो हमारी है वो है इंट्रांजिटिव। ओके स्टूडेंट, तो अब इंट्रांजिटिव में क्या होता है स्टूडेंट? इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? अकर्मक क्रिया को कहते हैं। ओके स्टूडेंट, वेन द सब्जेक्ट डज नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट इट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके स्टूडेंट, जिसमें ओनली सब्जेक्ट और वर्ब का यूज किया जाता है, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ओके स्टूडेंट, तो लेट्स स्टार्ट इंट्रांजिटिव वर्ब when the subject does not need any object. SV means subject or verb. Okay student, ab examples humne liye hain। Ruby danced, Ruby danced। to in this sentence ऑब्जेक्ट यहां पर गिवन नहीं है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट सी कैम लेट, यहां पर भी सब्जेक्ट है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, बट ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारी है इंट्रांजिटिव वर्ब भी कंप्लीट हुआ। वेरी सिंपल है स्टूडेंट, इंट्रांजिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारी है वो लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब इट मींस कि संयोजक वर्ब क्रिया। ओके, जो ऐड करती है, जो जोड़ती है, सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जो जोड़ती है उसे क्या करते हैं, उसे क्या कहते हैं? वो लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो लिंकिंग वर्ब संयोजक क्रिया कहते हैं उसे। और वर्ब्स दैट आर यूज्ड टू लिंक द सब्जेक्ट टू एडिशनल इंफॉर्मेशन इट इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट कि लिंकिंग वर्ब कौन कौन सी होती है? ओके स्टूडेंट, और लिंकिंग वर्ब बिल्कुल इजी होती है स्टूडेंट, इट्स वेरी इजी। ओके, लिंकिंग वर्ब्स आर इज, एम, आर, वाज, वर, लुक्स, टेस्ट, फील, कंसिडर, sound, appear, remains, seem, grow, get, come, go, run, become, has, have, had plus में been are linking verbs. Okay student, is that clear? Very good. Examples, we take some examples of linking verbs. He is a teacher. He is a teacher. Okay student, here subject is he, and next here is linking verb. Okay student, this is a linking verb. Okay student, and next a teacher. अब student ध्यान देना कि इसका जो एक प्रकार से फॉर्मूला जो बनेगा वो स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगी इसकी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस अगर नाउन या फिर एडजेक्टिव। हेल्पिंग वर्ब प्लस नाउन या एडजेक्टिव हो तो वो कौन सा बनेगा, लिंकिंग वर्ब वाला सेंटेंस बनेगा। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट। तो ऐसे जो सेंटेंस आते हैं स्टूडेंट, ही इज ए डॉक्टर, ओके, शी इज एडवोकेट, तो ऐसे जो सेंटेंस है स्टूडेंट, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है वो हेल्पिंग वर्ब ना होकर वो कौन सी वर्ब होती है, लिंकिंग वर्ब। ओके स्टूडेंट, वो कौन सी वर्ब होगी, लिंकिंग वर्ब कहलाती है। ओके स्टूडेंट, कि सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट इन दोनों को क्या करती है, जोड़ती है। ओके स्टूडेंट, अगर इस सेंटेंस में से इज को रिमूव कर दिया जाए तो ये क्या सेंस देगा, इनकम्प्लीट सेंस देगा। ओके स्टूडेंट, ही व्हाट, ही इज, ही इज, ही इज, बिल्कुल करेक्ट। अगर इज को रिमूव कर दें स्टूडेंट तो ही ए डॉक्टर, ही ए डॉक्टर, इट्स नॉट कंप्लीट सेंस। ओके स्टूडेंट, तो इसीलिए हेल्पिंग वर्ब, ये जो लिंकिंग वर्ब है, ये एक प्रकार से मेन वर्ब का भी कार्य कर रही है। ओके स्टूडेंट, और ये लिंकिंग वर्ब का भी कार्य कर रही है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो कंप्लीट सेंस बनाने के लिए ही इज व्हाट, ही इज व्हाट टीचर। ओके स्टूडेंट, तो ये जो हमारे पास नाउन है और टीचर क्या है, नाउन। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला बात करें तो हेल्पिंग वर्ब इज आ गया, टीचर क्या आ गया हमारे पास, नाउन आ गया। ओके स्टूडेंट, तो इसी प्रकार से ऐसे जो सेंटेंस होंगे स्टूडेंट वो, और उनमें जो इज एम आर वाज वर्ब जो यूज होगी वो क्या होगी, वो क्या कहलाती है, लिंकिंग वर्ब कहलाती है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट, शी इज ए डॉक्टर, शी इज ए डॉक्टर, शी इज हेयर सब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट, इज हेयर इज लिंकिंग वर्ब। ओके स्टूडेंट, कॉम्प्लीमेंट, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट। ओके स्टूडेंट, कॉम्प्लीमेंट है ये। अब सी इज ए डॉक्टर, अब इसको कंप्लीट बनाने के लिए इज का यूज किया जाता है कि सी इज व्हाट ए डॉक्टर। ओके स्टूडेंट, बट इज का यूज इज एम आर वाज वर्ब का यूज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट किया जाता है। ओके स्टूडेंट, तो शी इज ए डॉक्टर। ओके स्टूडेंट, और शी क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है, इज क्या हो गई, लिंकिंग वर्ब। ए डॉक्टर नाम। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? शी सब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट को जो ऐड कर रहा है, उनके बीच में जो कनेक्शन है वो कंप्लीट सेंस क्या दे रही है, लिंकिंग वर्ब। ओके स्टूडेंट, शी इज ए डॉक्टर। नेक्स्ट, सीता लुक्स हैप्पी, सीता लुक्स हैप्पी, सीता लुक्स हैप्पी। अब स्टूडेंट इसमें देखो, इसमें ये जो लिंकिंग वर्ब है, ये जो इज एम आर है, अगर इज एम आर के बाद मेन वर्ब का यूज किया जाता है ओके स्टूडेंट, तो वो हेल्पिंग वर्ब, वो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। ओके स्टूडेंट, अगर इज एम आर वाज वर्ब के बाद नाउन या एडजेक्टिव हो तो इज एम आर वाज वर वो क्या कहलाती है, लिंकिंग वर्ब कहलाती है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। थर्ड सेंटेंस, सीता लुक्स हैप्पी। सब्जेक्ट है ये, क्या है, लिंकिंग वर्ब। नेक्स्ट ये क्या है, एडजेक्टिव। ये क्या है स्टूडेंट, एडजेक्टिव। ओके स्टूडेंट, ये क्या है, एडजेक्टिव। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और लेते हैं। म्यूजिक साउंड्स स्वीट। म्यूजिक साउंड स्वीट, म्यूजिक यहां पर एज ए सब्जेक्ट एक्शन कर रहे हैं, साउंड्स एज ए लिंकिंग वर्ब एक्शन कर रही है, और स्वीट यहां पर ये क्या है, एडजेक्टिव। इज दैट क्लियर स्टूडेंट। ये जो लिंकिंग वर्ब टॉपिक है ये कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। ओके, आई होप दैट यू मस्ट have understood this topic। okay student, linking verb आपके अच्छे से समझ में आया होगा। okay, तो next auxiliary verb और helping verb। फोर्थ नंबर पर ऑक्सिलियरी वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब, इन्हें सहायक क्रिया कहते हैं स्टूडेंट। ऑक्सिलियरी वर्ब इज ए हेल्पिंग वर्ब। टू सपोर्ट अनदर वर्ब। इट इज कॉल्ड ऑक्सिलियरी verbs। ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब ये एक ही होती है स्टूडेंट। ओके, जिन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। अब नेक्स्ट, ऑक्सिलरी वर्ब इज ए हेल्पिंग वर्ब टू सपोर्ट अनदर वर्ब। ओके स्टूडेंट, तो इट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब। Auxiliary verbs are auxiliaries verbs are be, is, am, are, was, were, been, being, do, does, did, has, have, had, will, would, shall, should, may, might, etc. etc. Auxiliary verbs are be, is, am, are, was, were, been, being, do, does, did, has, have, had, will, would, shall, should, may, might, etc. etc. These are auxiliary verbs. Okay, students. There are two types of auxiliary verb. First, primary verb and second modal verb. Okay student, there are two types of auxiliary verbs. First primary verbs, second modal verbs. Okay student, next we take some examples of auxiliary verbs. स्टूडेंट, ऑक्सिलरी वर्ब में इज एम आर के बाद, ओके स्टूडेंट, जो हेल्पिंग वर्ब होती है उनके जस्ट बाद मेन वर्ब का यूज किया जाता है. ओके स्टूडेंट, एग्जाम्पल, you are doing, you are doing your work, you are doing your work. Okay student, you are doing your work. अब यहाँ पर student सब्जेक्ट दिया हुआ है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब, मेन वर्ब प्लस आईएनजी है, ये ऑब्जेक्ट है. ओके स्टूडेंट, अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद, अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद स्टूडेंट मेन वर्ब का यूज किया जाता है तो ये जो इज एम आर, ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है, ये इज एम आर, वाज वर, हैज हैव हैड, दीज वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स. ओके स्टूडेंट, इन्हें क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं. ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है, न कि लिंकिंग वर्ब. ओके स्टूडेंट, लिंकिंग वर्ब, I also told about the linking verb. Okay, student. And now we are talking about helping verb. Okay, student. So R is here helping verb. Okay, student. She is watching a movie. She is watching a movie. अब यहाँ पर स्टूडेंट is क्या है? Is here helping verb. ओके स्टूडेंट. नेक्स्ट यहाँ पर मेन वर्ब दी हुई. ओके स्टूडेंट. तो ये सेंटेंस जिनमें हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है, जिनमें इज एम आर का यूज हुआ है स्टूडेंट, तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब्स. ओके स्टूडेंट. नेक्स्ट प्राइमरी verbs. प्राइमरी verbs के अंदर स्टूडेंट फर्स्ट सेंटेंस he is reading a book. ओके स्टूडेंट. नेक्स्ट you are listening to songs. Third, they do not waste their time. They do not waste their time. She has done her work. Next, modal verbs. First and second. First sentence, she can drive a car. Okay student. Next, you should study. Next, would you lend me some money? It may rain today. Primary verbs and modal verbs. I think that you have clear your points, yeah, your doubts. Okay student. Because these are, is, are, do, has. इनके जस्ट बाद स्टूडेंट मेन वर्ब का यूज हुआ है. मेन वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब. तो is, are, do, has are helping verbs. Okay student. In these sentences helping verbs are इज, आर, डू, हैज। ओके स्टूडेंट, इन दीज सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब्स आर इज, आर, डू, हैज। नेक्स्ट मॉडल वर्ब्स। She can drive a car. तो students, we can find modal verbs. Okay student, can, should, would, may are modal verbs. Okay student, in these sentences modal verbs are can, should, would and may. In these sentences modal verbs are can, should, would, may. ओके स्टूडेंट, तो ये डिफरेंसेस है स्टूडेंट। ओके, प्राइमरी वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स में। ओके स्टूडेंट, मॉडल वर्ब्स जिनमें कैन, कुड, विल, वुड, शेल, शुड, ओके स्टूडेंट, आर मॉडल वर्ब्स। नेक्स्ट प्राइमरी वर्ब्स इज, एम, आर, was, were, has, have, had, do, does, did are called प्राइमरी verbs. ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से स्टूडेंट हमें फाइंड आउट करना होता है कि प्राइमरी verbs कौन सी होती है और मॉडल verbs कौन सी होती है। आई थिंक दैट यू कैन फाइंड easily. ओके स्टूडेंट, तो इसी प्रकार से स्टूडेंट ये जो हमारा टॉपिक है वर्ब्स, ये कंप्लीट हुआ। ओके स्टूडेंट, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो स्टूडेंट घर पे बैठकर इसकी प्रैक्टिस करोगे आप। ओके, देन यू कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। ओके स्टूडेंट, सो आप इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कीजिए। ओके स्टूडेंट, और आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक वर्ब। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। ओके स्टूडेंट, तो टेक केयर, bye for now.